अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे बेसिक चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप फार्माकोलॉजी की बैकबोन भी कह सकते हैं। ये वो चैप्टर है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर को स्किप करता है तो उसको आगे का कोई भी चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि आगे आप जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिलेट करती हैं। ठीक है जी। सो ये चैप्टर आपके लिए सबसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं मुश्किल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन जिसको समझ आ जाएगा उसके लिए इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। सो इसको आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको जो है वो अब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है, और जो भी इशू आपको आ रहा होगा आपने मुझे डेली बेसिस पे उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक है जी। तो इससे पहले लेक्चर में हमने जो हमारा नर्वस सिस्टम था उसको हमने क्लासिफाई किया था कि नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। इसको आप ANS भी कहते हैं। सो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम बता रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, यानी ऐसा सिस्टम जिसकी मूवमेंट, जिसकी हरकत, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बल्कि इसको कुदरत कंट्रोल कर रही है, और इसकी जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसको आप अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। सो ANS अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी ANS जो है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को सरंजाम देने में अहम किरदार अदा करता है। ANS इज कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ द विसरल फंक्शंस, यानी ANS जो है इसका ताल्लुक है आपकी बॉडी के विसरल का से मुराद होता है बॉडी की पेरिफ्री के अंदर, बॉडी के इर्द गिर्द जो भी फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं, जो भी आइंस हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन तमाम के फंक्शंस को आपका ANS जो है वो कंट्रोल करता है। सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो भी फंक्शनिंग है, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो आपके इख्तियार में नहीं है। ये सिस्टम डे वन से जिस तरह से काम करता है, सारी ज़िंदगी उस तरह से काम करता है, आप अपनी मर्जी से इसमें तब्दीलियाँ नहीं ला सकते। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है अबाउट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में आप सब जानते हैं कि जैसे हमें पता है कि बॉडी का जो बेसिक फंक्शन है, या बॉडी का जो बेसिक आप कह सकते हैं बॉडी की जो बेस है वो सेल है। ठीक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी इज सेल, कि आपकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। इसी तरह से जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है जो कि पूरे दिमाग को कवर करता है। ये बारीक बारीक सी नालियाँ होती हैं जो कि आपके पूरे दिमाग के ऊपर फैली हुई होती हैं, और दिमाग में जितने भी काम हो रहे होते हैं वो इन्हीं न्यूरॉन्स के ज़रिए से हो रहे होते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स के ज़रिए से आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पैगाम पहुँचाया जाता आता है कि आपने अब नेक्स्ट बॉडी ने क्या फंक्शन सरंजाम देना है। इसको सिंपली आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप किसी वजह से आग के ऊपर हाथ रखें, या आप हीटर के ऊपर हाथ रखें, तो आपको थोड़ी देर तक गर्माहट फील होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके हाथ को शदीद तपिश फील हो रही हो या शदीद गर्मी फील हो रही हो, तो फौरी तौर पर आप हीटर के ऊपर से हाथ हटा लेते हैं। तो वो होता किस वजह से है कि जैसे ही आपने हीटर के ऊपर हाथ रखा, आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स का नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जो मैं एरिया बता रही हूँ, यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ये आपकी चीज़ों को, आपके
की बॉडी में जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ये उस चीज़ को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। अब जो आपको तपिश फील हो रही है, उस तपिश को, उस आग को फील करने की जो सलाहियत है वो इस जगह पे मौजूद न्यूरॉन्स में है, और उन न्यूरॉन्स को आप कहते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है जी। अब आपने जैसे ही हीटर की आपको तपिश ज़्यादा फील हुई, आपने आपके यहाँ पे मौजूद न्यूरॉन्स ने उस चीज़ को, हाथ के ऊपर जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने उस चीज़ को फील किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर क्या हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन्स फौरी तौर पर यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आपके दिमाग तक चले गए। ठीक है, आपके यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इन्होंने हीट को फील किया और इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर आपके दिमाग तक ले गए कि जनाब बहुत ज़्यादा तपिश फील हो रही है, अब क्या किया जाए। दिमाग उस पैगाम को जो कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स दिमाग तक लेकर गए हैं उस पैगाम को रीड करता है। रीड करने के बाद दिमाग फौरी तौर पर, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, उन न्यूरॉन्स का नाम होता है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इनको आप मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इनको आप इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इसी तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स को आप सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं और आप एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एमसीक्यू में वो कंफ्यूज कर देता है कि एफरेंट न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन देता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और जो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है। ठीक है जी। सो हम डिस्कस कर रहे थे हीटर्स के हवाले से एक जनरल सी एग्जांपल, कि जैसे ही आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ने हीटर की तपिश को फील किया, उसने फौरी तौर पर आपके दिमाग को मैसेज पहुंचाया है कि कोई गड़बड़ है, तपिश बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो अब क्या किया जाए। दिमाग ने उस पैगाम को रीड किया, रीड करने के बाद दिमाग ने मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से आपको पैगाम भिजवाया कि हाथ हटा लें। सो आप फौरी तौर पर हाथ अपना हीटर से पीछे खींच लेते हैं। सो ये जो काम है न्यूरॉन्स की मदद से जो काम हुआ है ये विद इन सेकेंड्स होता है, यानी 1 सेकेंड के भी हज़ारवें हिस्से में ये काम होता है। आप कह सकते हैं कि ये इंतहाई हाई स्पीड के साथ, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ये काम हो रहा होता है और आप फौरी तौर पर अपना हाथ जो है वो हटा लेते हैं। सो न्यूरॉन्स के बारे में बताने का मकसद ये है कि न्यूरॉन्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे आपके होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स किसी भी चीज़ को सेंस करने की सलाहियत रखते हैं और उस चीज़ को सेंस करने के बाद मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जाने का काम करते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स बॉडी ऑर्गन से मैसेज को लेते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रेन तक। ठीक है जी। ये किस चीज़ को, यहाँ पर मैसेज लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये एरो शो कर रहा है कि ऑर्गन से, यानी आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, किडनी हो गई, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई मसला हुआ है तो उस ऑर्गन के ऊपर जो न्यूरॉन्स हैं उनको आप सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स ऑर्गन से मैसेज उठाते हैं और ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है, रीड करने के बाद ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से मैसेज को वापस ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ठीक है, मैसेज को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सो यहाँ से आपको एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन से जब मैसेज ऑर्गन्स तक आता है तो वो किन न्यूरॉन्स के ज़रिए से आता है। ऑप्शन में आपको सेंसरी न्यूरॉन्स देगा, मोटर न्यूरॉन्स देगा और बोथ दे देगा। मोस्टली स्टूडेंट्स बोथ के ऊपर टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बोथ वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे उसने पूछा है कि ब्रेन से ऑर्गन्स तक कौन सा न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा, तो वो आपका मोटर न्यूरॉन है, और ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज कौन लेके जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स कभी भी ब्रेन से ऑर्गन्स तक मैसेज नहीं लाएंगे और मोटर न्यूरॉन कभी भी ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज नहीं लेके जाएंगे, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। न्यूरॉन इज़ डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम का, दिमाग का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी के साख्त भी बनाता है और आपके फंक्शंस को भी सरंजाम देता है ब्रेन के। न्यूरॉन इज़ लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। जो आपका न्यूरॉन है, क्योंकि वो एक सेल है तो ये बॉडी के बाकी सेल्स की तरह से ही होता है, जैसे कि बॉडी के बाकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर,
और सेल के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, तो इसी तरह से आपके ब्रेन के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। सो हाउएवर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स बाय टू वेज, यानी नॉर्मली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके नॉर्मल सेल की तरह से होते हैं, जो कि आपके बॉडी के सेल्स हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, और इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्यूरॉन्स के अंदर डिफरेंट हैं और सेल के अंदर डिफरेंट हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? न्यूरॉन्स हैज़ ब्रांचेस और प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन्स एंड द डेंड्राइट्स। न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि ये ब्रांचेस होती हैं न्यूरॉन्स के ऊपर, उनको आप एक्सॉन्स कहते हैं, और डेंड्राइट्स जो हैं वो उसके नीचे जो है कि वेव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप डेंड्राइट्स कहते हैं। ये मैं लेक्चर के एंड पे आपको ड्रॉ भी करके दिखा दूंगी, ठीक है जी। जबकि जो आपके आम सेल होते हैं, जैसे कि किडनी के सेल हो गए या आपके ब्लड सेल्स हो गए, उनके अंदर एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स नहीं होते। सो ये एक डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। दूसरा डिफरेंस है कि न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम, सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। सो सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है जिसका नाम सेंट्रोसोम होता है, वो मौजूद नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी के बाकी जो सेल्स हैं, जैसे कि ब्रेन, सॉरी, आपके ब्लड सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, उन सब के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं, तो वो सेंट्रोसोम क्या काम सर अंजाम देते हैं? वो सेंट्रोसोम जो है वो डिवीजन का काम सर अंजाम देते हैं। डिवीजन से क्या मुराद है? डिवीजन से मुराद है सेल का एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 न्यू सेल्स के अंदर डिवाइड होना, नए सेल्स का बनना, इज कॉल्ड डिवीजन। सो सेंट्रोसोम की मदद से कोई भी सेल मजीद नए सेल्स के अंदर तब्दील हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपके ब्रेन के सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते, लिहाजा आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, जितना उनका टाइम होता है, उसके बाद वो सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी जगह आपके ब्रेन के अंदर न्यू सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी न्यूरॉन मजीद आगे कोई नया न्यूरॉन पैदा नहीं कर सकता, वो खुद को काम करने के बाद ख़त्म कर देता है, और उसके बाद नेचर आपकी बॉडी के अंदर एक नया न्यूरॉन पैदा कर देती है। सो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो कि बॉडी के सेल और न्यूरॉन में डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे दो नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, कि कोई से दो ऐसे डिफरेंस लिखें जो कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स को न्यूरॉन से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स आप वहाँ पर मैंशन कर देंगे। देन आ जाता है कि न्यूरॉन्स जो हैं उनको आप दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहली टाइप है जनाब मोटर न्यूरॉन्स, जिनको आप इफरेंट भी कहते हैं, और ये एक एमसीक्यू है, और ये मैसेज को ब्रेन से ऑर्गन्स तक लेकर जाते हैं। जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनको आप एफरेंट कहते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये आपके मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं। आप जस्ट ये डेफिनेशन भी लिख देंगे तो ये इनफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में डिफरेंस बताएं, तो आप लिख दें कि मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं और ये वाला काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स को इफरेंट कहते हैं और ये वाला काम करते हैं, तो आपका दो नंबर का जो सवाल है वो सेटिस्फेक्ट्री तौर पर हल हो जाता है। सो आपकी बुक क्या कहती है? बुक कहती है कि मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं। न्यूरॉन्स विच कैरे द मोटर इम्पल्स, मोटर इम्पल्स से मुराद है, इम्पल्स से मुराद होता है मैसेज, ठीक है। ब्रेन के जो मैसेजेस होते हैं फार्माकोलॉजी की ज़बान में, उनको हम इम्पल्स कहते हैं। सो ऐसे न्यूरॉन जो कि इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स, ग्लैंड एंड द ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन्स। यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जो कि मोटर इम्पल्सिस को, यानी कि मैसेज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन से, आपके पेरिफेरल इफेक्टर, इफेक्टर क्या होते हैं? इफेक्टर से मुराद होता है ऑर्गन्स, ठीक है। इफेक्टर से मुराद है वो चीज़ें जिन्होंने कोई काम करना होता है, जिनके अंदर किसी काम को स्टिमुलेट करने की, किसी काम को परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद होती है, उनको आप इफेक्टर कहते हैं। सो आपके वो न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर यानी कि ऑर्गन्स तक, या मसल्स तक, या ग्लैंड्स तक, या ब्लड वेसल्स तक
इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं उसको आप मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। सो यहाँ पे आप ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं, मसल्स भी लिख सकते हैं, ग्लैंड्स भी लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो ऑर्गन भी एनफ है। सो मोटर न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज द इफरेंट इफरेंट नर्व सेल्स, इनको आप इफरेंट कहते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। जनरली दीज न्यूरॉन हैव लॉन्ग एग्जॉन्स एंड द शॉर्ट डेंड्राइट्स। आमतौर पर इन न्यूरॉन्स के में जो एग्जॉन्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जो इनके डेंड्राइट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ये मैं आपको ड्रॉ करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि एग्जॉन्स और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जब हम प्रॉपर इसको ANS की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर आ जाता है जनाब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी इम्पल्स को, यानी कि सेंस करने का जो मैसेज है उसको पेरीफ्री, पेरीफ्री से क्या मुराद है, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन से, मुख्तलिफ ग्लैंड से या मुख्तलिफ टिश्यू से CNS की तरफ लेकर जाते हैं, ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं। इनको आप सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। अच्छा, जो दूसरा डिफरेंस आपने याद रखना है वो ये है कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनमें एग्जॉन्स लंबे होते हैं, ठीक है, जबकि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को सेंस करते हैं उनमें लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं और शॉर्ट एग्जॉन्स होते हैं। ये एक और डिफरेंस है, ठीक है जी। तो आपके पास तीन डिफरेंसेस हो गए सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के। एक तो ये कि सेंसरी न्यूरॉन्स को आप एफरेंट कहते हैं, ये वाला मैसेज कन्वे करते हैं, और इनके पास शॉर्ट एग्जॉन्स और लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन्स को आप इफरेंट कहते हैं, ये वाला काम सर अंजाम देते हैं और इनके पास लॉन्ग एग्जॉन्स होते हैं, ठीक है जी। देन आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के बारे में आप थोड़ा सा पहले से भी जानते हैं कि रिसेप्टर्स जो हैं वो आपका टारगेट एरिया होता है, वो एरिया जहाँ पे जाके ड्रग बाइंड करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर। और रिसेप्टर्स की हमने डिफरेंट फैमिलीज़ भी डिस्कस की थी कि कुछ जी प्रोटीन रिसेप्टर्स भी होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर्स भी होते हैं, इस तरह से मल्टीपल टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। यानी जब तक कोई भी ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती वो कभी भी अपना कोई भी काम सरंजाम नहीं दे सकती। सो रिसेप्टर्स क्या हैं? इन द फार्माकोलॉजी रिसेप्टर्स डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वो जानदार चीज़ें हैं टू विच आर ड्रग बाइंड, जिसके साथ जाके आपकी दवाई जाके बाइंड करती है एंड प्रोड्यूस्ड अ मेजरेबल रिस्पॉन्स। और एक जो उसका रिस्पॉन्स है, जो भी उसका एक्शन है, जिस मकसद के लिए आपने दवाई खाई है उस मकसद को वो पूरा कर सकती है। दस एंजाइम्स एंड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैन बी कंसीडर टू द फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स, क्योंकि हमने रिसेप्टर्स की टाइप्स के अंदर पढ़ा है कि आपके आइंस भी रिसेप्टर्स बन सकते हैं, रिसेप्टर्स जो हैं वो एंजाइम्स वाले भी होते हैं, आपकी प्रोटीन्स भी रिसेप्टर्स का काम करती हैं। सो ये वही टाइप्स हैं, अगर आपको पिछला लेक्चर याद है मेजर रिसेप्टर्स फैमिलीज वाला, तो ये उसी से रिलेटेड बात यहाँ पे रिपीट की गई है, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे आपको ये डिटेल के अंदर डिस्कस मैं नहीं कर रही। देन आ जाता है जनाब न्यूरोट्रांसमीटर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपसे पूछी जाती है वाइवा के अंदर कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो किसी भी सिस्टम के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। यानी हर सिस्टम, जैसे कि ANS है तो ANS के अपने अलग से केमिकल्स होंगे जो कि ANS के अंदर मौजूद एक्टिविटीज़ को सरंजाम देंगे, उनको आप ANS के न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कुछ और केमिकल्स मौजूद हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को सरंजाम देंगे, तो उनको आप CNS के न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। हर सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है जी। सो हर सिस्टम हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, वॉट एवर सिस्टम इट इज़, कोई भी सिस्टम हो उसका केमिकल डिफरेंट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही केमिकल हो, एक सिस्टम के दो से ज़्यादा केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको सिंपथेटिक सिस्टम को और पैरासिंपथेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपथेटिक सिस्टम के अलग से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, पैरासिंपथेटिक सिस्टम के अलग से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं।
इस लेक्चर में हमने, क्योंकि जो हमारा ब्रेन था उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया था कि जी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ANS है, सिंपथेटिक सिस्टम है, पैरासिंपथेटिक सिस्टम है। सो इनको डिवाइड करने का मकसद ये है कि हर सिस्टम के अपने अपने केमिकल्स हैं। जो केमिकल्स ANS के हैं उनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑफ ANS कहेंगे, जो केमिकल्स सिंपथेटिक सिस्टम के हैं उनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑफ सिंपथेटिक सिस्टम कहेंगे, जो पैरासिंपथेटिक सिस्टम के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको हम पैरासिंपथेटिक सिस्टम के केमिकल्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केमिकल्स हैं उनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। सो न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल एजेंट जो के उस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस को सरंजाम देता है। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपकी बुक क्या कहती है उसको भी हम देख लेते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, यानी ये केमिकल नेचर का एक सब्सटेंस होता है, एक पार्टिकल होता है डैट एक्ट एज द मीडिएटर ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरोन टू अदर न्यूरोन थ्रू अ साइनेप्स। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? अब आपको पता है कि एक न्यूरॉन तो ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन के अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। अब एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन्स तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए हमें कोई केमिकल चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपका ब्रेन का एरिया है, ठीक है जी, इसको हम पेज पे अंडरस्टैंड करते हैं। चलें जी, सपोज करें कि ये जो एरिया है ये आपका ब्रेन का एरिया है। सो दिस इज़ अ ब्रेन एरिया। इसके अंदर सपोज करें कि ये आपके मल्टीपल न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। ये मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है जी। अब ये एक न्यूरॉन है और ये उससे नेक्स्ट न्यूरॉन है। अब इन दो की बात करते हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है। अब इस न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरे ब्रेन में तब फैलेगा जब एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा। अब ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक कैसे ट्रांसफ़र होगा? इस मैसेज को पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसफ़र करने के लिए आपको न्यूरो ट्रांसमीटर चाहिए, ठीक है। ट्रांसमीटर से मुराद है ट्रांसमिट करना, पहुंचाना, डिलीवर करना। सो एक ऐसा केमिकल जो के मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है थ्रू द साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स वो स्पेस है जो के एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन्स के दरमियान मौजूद है। इस या इसको आप अंडरस्टैंड करें, सपोज करें ये एक न्यूरॉन है, सेकेंड न्यूरॉन ये है। अब हमने इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक मैसेज को डिलीवर करना है, तो इसका जो मैसेज है वो यहाँ से यहाँ तक कैसे डिलीवर होगा? आपके न्यूरो ट्रांसमीटर के ज़रिए से, और उसको इस साइनेप्स को या जो ये स्पेस है इसको क्रॉस करना होगा, इसके अंदर से गुजरना होगा। इसलिए डेफिनेशन के अंदर साइनेप्स का लव, साइनेप्स मीन दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो स्पेस है उसको आप सिंपल लव्स में साइनेप्स कह सकते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके लेवल पे इतना अंडरस्टैंड कर लेना आपके लिए काफ़ी है कि एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन्स तक मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स मौजूद होते हैं, और ये साइनेप्स को क्रॉस करके यहाँ से अगले न्यूरॉन्स में जाएंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे और अगले में जाएंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे और इस वाले में जाएंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे अगले में जाएंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे अगले में, और ये सारा का सारा आपका रिपीट होता जाएगा। सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक वो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो कि लोकली इफेक्ट करते हैं, एक वो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो कि आप कह सकते हैं जनरल इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है कि लोकल मीडिएटर्स और हार्मोन्स। लोकल मीडिएटर से मुराद है, मीडिएटर मीन फंक्शन परफॉर्म करने वाले। लोकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो बॉडी में जिस जगह पे बनते हैं सिर्फ उसी जगह पे अपना काम सर अंजाम देते हैं, उस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह की जाकर हेल्प नहीं करते, उनको आप लोकल मीडिएटर्स कहते हैं। जबकि जनरल मीडिएटर्स ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, या जनरल न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं कि ये बॉडी में बनते किसी और जगह पर हैं लेकिन बॉडी में कहीं और जाकर भी अपना काम सरंजाम दे सकते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स।
हॉर्मोन्स क्या हैं, ये भी एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये बनते तो आपके ब्रेन में हैं, लेकिन आपकी हड्डियों में, आपके दांतों में, आपकी आपकी किडनी में, आपके लीवर में, आपके हार्ट में, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, इवन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर भी हार्मोन्स काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टिरॉन है, ये सारे के सारे आपके ब्रेन के अंदर बनते हैं, पिच्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, और पिच्यूटरी ग्लैंड्स आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। सो ये बनते तो ब्रेन के अंदर हैं, लेकिन ये वहाँ से सारा रास्ता क्रॉस करके मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। इनको आप हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं, या यहाँ पर आप जनरल न्यूरो ट्रांसमीटर की की हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। जबकि लोकल मीडिएटर्स क्या हैं, मोस्ट सेल इन द बॉडी सिक्रीट केमिकल्स डैट एक्ट लोकली। बहुत सारी आपकी बॉडी के सेल ऐसे हैं जो कि ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि सिर्फ उसी जगह पे काम करने की सलाहियत रखते हैं। बाकी अगर आप उनको कहीं और डाल दें, जैसे कि सपोज करें कि आप कॉलेज के अंदर जो है पढ़ते हैं, अगर आपको मैं उठा के किसी और कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वहाँ जाकर पढ़ना आप नहीं वहाँ जाके आप नहीं पढ़ेंगे। इट मीन्स कि आप लोकली इफ़ेक्ट करते हैं, जिस जगह से आप जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हुए हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, आप वहाँ तो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी लोकेशन चेंज कर दूँ तो वहाँ पे आप काम नहीं करते। तो ये लोकल मीडिएटर्स भी इसी तरह से होते हैं। दीज केमिकल सिग्नल्स आर रैपिड, डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड। इस तरह के जो इफेक्ट हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। दे डू नॉट एंटर द ब्लड एंड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी ये क्योंकि ब्लड के अंदर एंटर नहीं होते और ना ही पूरी बॉडी के अंदर ये फैलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम ही ये है कि जिस जगह बनेंगे सिर्फ उसी जगह काम करेंगे। अगर ये ब्लड के अंदर चले गए और ब्लड के अंदर ये मूव करेंगे, तो जाहिर है जहाँ जहाँ ब्लड मूव करेगा वहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर फैल सकते हैं। यही वजह है कि ये ब्लड के अंदर मूव नहीं करते। और एक केमिकल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हिस्टामिन। ये बॉडी में जिस जगह पे पैदा होगा उसी जगह पे काम करेगा और वहीं पे इसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जनाब हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जाते हैं। और जब ये ब्लड के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली ये थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये मूव करते हैं या ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। सो ये पूरी बॉडी के अंदर मूव करते जाते हैं, और जिस जगह बॉडी पे टारगेट से सेल होता है, बॉडी में जिस जगह भी इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये अपना काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी पैथोलॉजी या आप इसकी एनाटॉमी जो है उसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।